बदलापुर मामले के आरोपी अक्षय शिंदे के मौत के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि यकीन नहीं हो रहा कि अक्षय शिंदे कैसे पुलिस रिवॉल्वर निकालकर गोली चला सकता है, जबकि उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। जिस स्कूल में ये प्रताड़ना की घटना घटी है वो स्कूल बीजेपी से जुड़े हुए एक शख्स का था, इसलिए सरकार की ओर से मामले को दबाने की कोशिश की गई है। ये बात तो महाराष्ट्र में सब जानते हैं। महाराष्ट्र में जो बदलापुर में जो घटना घटी थी, जिस घटना में 4 वर्षीय लड़की के ऊपर अत्याचार किया गया था, उसका जो आरोपी था अक्षय शिंदे, वो उसको जब पुलिस लेके जा रहे थे उसके दोनों हाथ बांधे थे। ऐसी हालत में किस प्रकार से पुलिस की रिवॉल्वर छीन के वो खुद के ऊपर गोली दाग सकता है, आत्महत्या कर सकता है, इसके ऊपर यकीन करना मुश्किल है। ये जब घटना जिस स्कूल में घटी थी बदलापुर में, वो स्कूल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की थी, करके 4-5 दिन वो घटना को दबाने की सरकार ने कोशिश की। और अभी जिस प्रकार से अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया गया, उस पर से ये बात की शंका आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की स्कूल होने के कारण और ये बात आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उसके लिए इसको हमेशा के लिए अक्षय शिंदे को हटा दो करके ये एनकाउंटर हुआ क्या, इसके बारे में भी शंका है। असलियत जनता के सामने आने को होना, इसलिए ये पूरी घटना की रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा चौकसी होना चाहिए। सरकार के जांच, जो भी सरकार की जांच रहेगी, इसके ऊपर किसका भरोसा नहीं है, क्योंकि शुरू से जो महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पूरा मामला दबाने की कोशिश कर रही है, करके रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के इससे पूरी इस घटना की जांच होना चाहिए, ये हमारी मांग है। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।